बात जी जी विकास विकास आपको आवाज मिल रही है? विकास से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से वैभव के पास वापस जाएंगे। वैभव, हम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे, किसके मुद्दे किस पर हावी नजर आए हैं। जैसा कि आपने पहले जिक्र किया भी कि कांग्रेस को कहीं थोड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो वोट प्रतिशत के हिसाब से बात कर ली जाए या पिछले विधानसभा के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं साथ दे गए हैं। बात अगर 72,000 वाले फॉर्मूले की कर ली जाए, हालांकि वो केंद्र से शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी असरदार साबित हो सकता है। दूसरी तरफ बिजली बिल हाफ की अगर बात कर ली जाए राज्य स्तर के तौर पर, तो वो बहुत ज्यादा फायदा करती नजर आई है कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी के क्या हालात रहे हैं, कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? देखिए, बीजेपी के पास मुद्दे तो नहीं है, बीजेपी के पास सिर्फ मोदी एक चेहरा है और मोदी के आश्रय ही बीजेपी अपनी नैया पार करना चाहती है और उसका एक असर दिखा भी है। जहां भी बीजेपी के तरफ से प्रचार किया गया है वहां पे सिर्फ यही बताया गया है कि चेहरा तो मोदी है, प्रत्याशी कोई भी हो तो आपको मोदी को वोट देना है, प्रत्याशी को मत देखिए। ये बातें हर जगह पे जाके प्रचार में बीजेपी के नेताओं ने कही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वो भी जहां जहां पे गए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारे ये हैं लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे, उसके काम के भरोसे ही वोट मांगा गया है। यहाँ पे बाकी मुद्दे सारे बीजेपी के लिए गौड़ रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के भीतर में भी अगर बीजेपी को कहीं से लीड मिलेगी, कहीं से जीत मिलेगी, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे है और बाकी आप प्रत्याशियों के लिहाज से नहीं देख सकते। लेकिन कांग्रेस के लिए दूसरी स्थिति थी, कांग्रेस के पास लोकसभा के जो मुद्दे थे या फिर राहुल गांधी का जो चेहरा था वो नहीं था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहा है और उसी भूपेश बघेल के चेहरे के आश्रय ही कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जो है वोट मांगे या कांग्रेस के नेताओं ने मांगे हैं। यहाँ पे 72,000 का जो मुद्दा है या जो नारा है वो थोड़े से कमगार साबित होते हुए दिखाई देंगे। बनिस्पत छत्तीसगढ़ में जो अपने मुद्दे रहे हैं राज्य सरकार के, वो चाहे वो कर्जा माफी का मुद्दा हो या फिर 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मसला हो या फिर जमीन वापसी का मुद्दा हो, ये मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन्हें जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बखूबी तरीके से भुनाया है और इसका असर भी छत्तीसगढ़ के भीतर में दिखता है। अगर कांग्रेस को फायदा होते हुए दिखाई देगा, कांग्रेस की लीड ज्यादा रहती है, तो यही सारे मुद्दे हैं जिसपे काम दिखाई देगा और जनता इसी पे भरोसा वापस आएंगे। इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतगणना स्थल पर नजर रखेंगे, वो खुद पहुंच रहे हैं। आज पूरे दिन लखनऊ में 5, कालिदास और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी उनके साथ मौजूद हैं, वो मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं और नजर रखेंगे पूरा दिन, तो किसी तरीके की अव्यवस्थाएं ना हो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं मतगणना स्थल और वहां पर नजर रखेंगे पूरा दिन। वो वहां पर रहने वाले हैं और उनके साथ में वो अकेले नहीं है, उनके साथ में तमाम और भी नेता मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, दूसरी अन्य पार्टियों के बड़े चेहरे हो या बीजेपी के बड़े चेहरे हो, सभी की निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर रहने वाली हैं। वो अपने अपने घरों से नजर रखने वाले हैं और लगातार हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कुछ देर के अंदर पीठासीन अधिकारी स्ट्रांग रूम पहुंचने वाले हैं और जो ईवीएम है उन्हें खोलेंगे। कहीं ना कहीं सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं। अगर बात की जाए इंदौर लोकसभा सीट की,
तो बीजेपी ने यहाँ पर सुमित्रा महाजन का टिकट काटकर पंकज लालवानी को दिया था, कांग्रेस द्वारा पंकज संघवी को दिया गया था। आज दोनों ही पार्टियों के जो भाग्य है तो उनका फैसला होना है, इंदौर से सांसद आने वाले समय में कौन बनना है, कुछ देर में स्ट्रांग रूम खुलेगा और पता चलेगा कि किस तरह से जनता का रुझान है। हालांकि जो भी आंकड़े कहे हैं वह किसके पक्ष में आते हैं कुछ ही समय बाद पता लगने वाला है। आपको बता दें कि इंदौर की जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ रही है, यहाँ पे 8 बार लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बीजेपी को जीत दिलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो समीकरण है वो बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सुमित्रा महाजन का टिकट काट कर शंकर लालवानी को दिया है। शंकर लालवानी पूर्व में आईडी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं इंदौर के लोकसभा सीट के अंदर जीतने के लिए तमाम दांव पेच उन्होंने लगाए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर प्रियंका गांधी, तमाम जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वह इंदौर के अंदर डेरा जमाए हुए थे और आज उसी का फैसला होना है। इसको लेकर भी आज काफी इंदौर की जनता में या जो कहे प्रदेश के जो राजनेता हो उनमें भी काफी उत्सुकता होगी कि इंदौर के रिजल्ट किस तरह आते हैं, क्योंकि हर बार बीजेपी यहाँ से जीतती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दी है। तो कुछ ही देर में आपको बता दें कि यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी है वो स्ट्रांग रूम खोलेंगे और आपको बता दें इंदौर की 8 विधानसभाओं की जो ईवीएम मशीन है वो यहाँ पर रखी गई है। वही अगर बात करें धार लोकसभा, जैसा की आप जिक्र कर रहे हैं की 9 बार से सांसद नहीं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इस बार मैदान में उतरी नहीं है, तो ये वाकई में देखना दिलचस्प है कि मुकाबला कितना कड़ा हो पाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से दोनों ही तरफ से नए प्रत्याशी थे जो मैदान में उतरे थे, लिहाजा यहाँ कांग्रेस के लिए कितना फायदा या कितना नुकसान देखते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो 8 लोकसभा विधानसभा चुनाव से जो पहले बीजेपी के टिकट जो तय को दिया जाता था उससे वही पहले ही अंदाजा लगा दिया जाता कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि महाराष्ट्र जो वोट बैंक है वो तय के समर्थन में रहता था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं क्योंकि तय को टिकट नहीं दिया गया है। वही अगर बात की जाए तो बीजेपी से नए चेहरे शंकर लालवानी को उतारा गया है, वही प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश कैबिनेट के अंदर 2 मंत्री इंदौर से हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ इस बार मजबूत हुई है और कह सकते हैं कि 8 लोकसभा चुनाव के बाद 2 भी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस बीजेपी को यहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ समय बाद रिजल्ट सामने होंगे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में लगा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी है। इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं उसके अंदर बीजेपी एक तरफा जीत थी, लेकिन इस बार अगर बात करें तो वोटर जो है वो खासे चुप थे, वोटर जो है शांत थे, तो कहीं ना कहीं वोटरों का शांत होना भी देखना होगा कि कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या उन्हें नुकसान देता है। जी जी विकास, जैसा कि इस बार गौरतलब बात है कि कैलाश विजयवर्गीय खुद भी वो प्रचार करने के लिए नहीं गए थे पहले ही, क्योंकि वो इंदौर में भी प्रचार करने नहीं गए थे क्योंकि उनको जिम्मेदारी बंगाल की दी गई थी, ऐसे में कितना प्रभाव आप दिखता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में ताई और भाई ये 2 ऐसे नाम है, ताई और भाई राजनीतिक के बड़े नाम है, बीजेपी के अंदर बड़ी राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में ताई का टिकट कटा है और भाई को बंगाल की जवाबदारी दे दी गई, तो इन ताई और भाई के नहीं होने के कारण भी बीजेपी को खासा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि इंदौर की जो राजनीति है वो ताई और भाई से ही चलती है, तो कहीं ना कहीं ताई का टिकट कटना जो कैलाश विजयवर्गीय है बीजेपी के महासचिव उनका कहीं ना कहीं बंगाल पर है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दिला सकता है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहली बार इंदौर लोकसभा सीट के लिए सारे जो भी नेता है एक एक जुट नजर आए, क्योंकि कांग्रेस में कहा जाता था गुटबाजी है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने चुनाव बिना गुटबाजी के लड़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा जरूर होगा। वही अगर बात की जाए पंकज संघवी, तो पंकज संघवी ने पहले भी लोकसभा चुनाव ताई के सामने लड़े थे, लेकिन वो 55,000 वोटों से हार गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो जीत का अंतराल था वो भी कम था, जो दूसरे लोग हार रहे हैं वो लाखों वोटों से ताई से हारे, लेकिन जो पंकज संघवी थे वो 55,000 वोटों से हारे। वही अगर बात करें इंदौर लोकसभा सीट पर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंकज संघवी की पहचान है, पहचान के मोहताज नहीं है। वही शंकर लालवानी की बात की जाए तो शंकर लालवानी को ग्रामीण क्षेत्रों में अनदेखा किया जाता है, हर ग्रामीण उन्हें नहीं जानता था, जिसका फायदा भी कांग्रेस को जरूर मिलेगा।
वही अगर बात की जाए तो संकल लालवानी के आइडिया रहते हुए जो किसान जो थे वो कहां से उनसे नाराज थे, किसानों की जो स्कीमों में जमीन बेची उसको लेकर आईडिया अध्यक्ष रहते हुए वहां तमाम धरना प्रदर्शन भी हुए थे, इसको भुनाने में भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस लगातार यही मुद्दा बना रही थी कि किसान हितैषी जो है संकल लालवानी नहीं है। वही अगर बात करें तो पंकज संघवी ने इंदौर को लेकर भी एक घोषणा पत्र जारी किया था कि इंदौर के तमाम जितने भी मुद्दे हैं उस घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने दिया था, तो इसका फायदा भी जो लोगों की जनता की जो जरूरत है इंदौर शहरवासियों की जो जरूरत है। अगर बात करें इंदौर के अंदर ट्रैफिक प्रदेश का राजनीतिक आर्थिक राजधानी कही जाती है, इंदौर एजुकेशन हब है, तो कहीं ना कहीं जो जनता की परेशानी थी जो ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी उसको लेकर भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र कहा है। कह सकते हैं कि तमाम जो भी मुद्दे थे इस चुनाव में कांग्रेस के लगातार विकास आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार वैभव भी हमारे साथ जुड़े। वैभव, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है और आपने एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी कही कि जहां जहां प्रधानमंत्री के या बीजेपी के बड़े चेहरों के दौरे रहे हैं वहां पर एग्जिट पोल में भी अनुमान ये लगाया गया कि जीत उनकी होगी। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं और विधानसभा में जो कांग्रेस को सफलता मिली थी उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को सफलता इस बार लोकसभा में यहां पे मिल सकता है, ये दिखाया जा रहा है। और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पे वोट मिल रहा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मिल रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट मिल रहा है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। यही चर्चा यहाँ पे है भी और इसे उस लिहाज से देखा भी जाना चाहिए क्योंकि चुनाव प्रचार जो हुए थे उसमें यही इसी बात को भी भुनाया गया था कि हमें नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार जिताना है, प्रधानमंत्री उन्हें बनाना है, ये बीजेपी के नारे थे और इसी नारे के बलबूते पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उनके जितने भी प्रत्याशी थे वो सारे जो है चूंकि नए थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मुद्दा रहा है जहां वो विधानसभा में भी हैट्रिक का काम कर गया और अब माना जाए जैसे कांग्रेस अपनी तरफ से भी दावा कर रही है कि इस बार भी वो हैट्रिक साबित होगा, मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, तो कर्ज माफी का मुद्दा कितना ज्यादा प्रभावशाली छत्तीसगढ़ में नजर आया। देखिए, कांग्रेस के लिहाज से तो एक मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत जबरदस्त तरीके से बुनाया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता देवजी भाई पटेल हैं। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी का मैजिक काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में या विधानसभा चुनाव के नतीजे ही दिखाई देंगे जैसा कांग्रेस कह रही है? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का मैजिक दिखेगा और चार महीने में ही पूरे जो है जिस तरह से वादे किए थे उस वादों पे वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस की सरकार, जनता आमदा है कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी और देश के सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर यहां पर रायपुर लोकसभा का इतिहास पुनः जो है आठवीं बार भी यहां पर दोहराया जाएगा। क्या लग रहा है, एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं बीजेपी को 7 से 8 सीटें मिल सकती है, आप लोगों का आकलन क्या कह रहा है? 7 से 7-4 या पर यहाँ पर 9-2 यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थिति हो सकती है और मैं समझता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चला तो 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसे कौन से 2-3 सीटें आप लोगों को लग रहा है जो कि एग्जिट पोल भी बता रहे हैं या फिर जिसमें दिखाया जा रहा है या आप लोगों का आकलन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा टफ फाइट है, कड़ा मुकाबला है? एक दो सीटों पे हो सकती है, बस्तर की सीटों पे। बस्तर की सीटों में जो है प्रथम चरण में हुआ है वहाँ पर निश्चित रूप से हो सकता है कि वहाँ टफ फाइट है, मगर भारतीय जनता पार्टी का फिर भी वहाँ पर पलड़ा भारी है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीत सकती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। वैभव, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ लाइव राजेश निम्बोरकर बुरहानपुर से जुड़ गए हैं लाइव। राजेश, खंडवा सीट से अगर बात कर ली जाए, खंडवा इलाके की बात कर ली जाए तो कौन से मुद्दे और सियासी हलचल कितनी तेज किसके लिए नजर आ रही है?
जी राजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए वापस आएंगे आपके पास, लगातार वैभव जुड़े हुए। वैभव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ देवजी भाई पटेल बने हुए हैं, उनसे चूंकि वो रिएक्शन लेते हैं जो टीएस सिंहदेव ने कहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव का कल बयान आया था मतगणना के पूर्व, और उनका आकलन था कि कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीत सकती है, 4 सीटें वो खुद मान रहे हैं कि हम हार सकते हैं, और जिसमें वो मान रहे हैं सरगुजा की सीट भी वो हार सकते हैं। आप लोगों का आकलन कह रहा है क्या ऐसा? टीएस बाबा जी जो बात कर रहे हैं वो पहले अपने क्षेत्र की सीट को बचा ले, और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री खुद और 4-4 मंत्री होने के बाद भी वो अपनी सीट दुर्ग लोकसभा को नहीं बचा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी है कि जनता में कितनी लोकप्रियता है, जो प्रधानमंत्री को आईना दिखाने वाले लोग आज वो स्वयं अपना चेहरा आईना में देख ले, और छत्तीसगढ़ की जनता यहां पर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमदाद है, और उन्होंने 23 अप्रैल को काम करके दिखा दिया है, और आज 23 मई का उनका धूमिल चेहरा सामने दिखेगा। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि जो राज्य सरकार ने वादे पूरे किए हैं उन वादों का कोई असर नहीं है, कर्जा माफी, समर्थन मूल्य, जमीन वापसी, इसका कोई असर नहीं दिखेगा? देखिए, जमीन वापसी का केवल जो है बस्तर क्षेत्र में किए हैं उन्होंने, और जहां तक कर्ज माफी का मामला है, कर्ज माफी का मामला आज तक पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी जिस बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज तीनों राज्यों में जो हां किसान राह देख रहे हैं कि हमारा कर्जा अभी तक बैंकों में हमारा पैसा नहीं आया, या वहां पर नो ड्यूज नहीं दिया जा रहा है, आगामी खरीफ फसल में किसान मारे मारे भटक रहे हैं कि उन्हें लोन कहां से मिलेगा नो ड्यूज नहीं दिए जाने के कारण। इसलिए कोई भी वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी तत्काल अपने तीनों स्टेट के जो है सीएम को बदले, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की है। अगर वो कांग्रेस को बचाना है तो तीनों सीएम को तत्काल हटा दे। देवजी भाई पटेल की दिल की बात, मैं बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूँ, देवजी भाई पटेल की दिल की बात क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़े रहेंगे, और क्या आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार एक बार फिर से केंद्र में दिखाई देगी बीजेपी के लिहाज से? निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार 300 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की यहाँ पर जो है बहुमत आने वाला है, और छत्तीसगढ़ में भी हम ये कह सकते हैं। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ एक बार फिर से राजेश इंबोरकर बुरहानपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, इधर खंडवा सीट की अगर बात कर ली जाए तो दोनों ही बड़े चेहरे उतारे गए हैं। एक तरफ अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान, और दूसरी तरफ अरुण यादव कांग्रेस की तरफ से वो भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो काफी की टक्कर नजर आई, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खंडवा संसदीय सीट काफी नाकाफी बहुत ही प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने दोनों दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था, और क्योंकि बहुत काफी हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए दोनों ही प्रमुख दलों ने यहाँ पर चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ही प्रमुख दलों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। जैसा कि जो हम मतदाताओं से लगातार संपर्क में थे, हमने काफी सर्वे भी किया है, तो ये एक चीज सामने आई है कि जिस तरीके से भाजपा इस सीट पे एक बार पुनः जीत का दावा कर रही है, नंद कुमार सिंह चौहान क्योंकि यहाँ से 5 बार सांसद है, एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में है। उनका ये कहना है कि हम 6वीं बार भी यहाँ से भारी मतों से जीत दर्ज कर दिल्ली जा रहे हैं। साथ ही जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अरुण यादव जी, उनका भी ये कहना है, वो भी एक बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में काफी संगठन को मजबूत किया है। वो कांग्रेस भी इस बार दावा कर रही है कि इस बार जो 25 साल से जो सांसद इस क्षेत्र में, उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किए गए, जिसके दम पर कांग्रेस एक बार 5 साल बनाम 25 साल का जो नारा लाई। अब आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग की तरफ से अलग से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मतगणना स्थल पर काफी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग्स हैं, और मीडिया के अलावा यहाँ पर किसी भी बंदे को न मोबाइल की अनुमति है, और न ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार का
कोई उपकरण अंदर लेके जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। मतगणना स्तर पर स्ट्रॉन्ग रूम खुल चुका है। कुछ ही समय में डाक मतपत्रों की गिनती आरंभ की जाएगी। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पहले 9 बजे के पूर्व हमें पहले राउंड के मतों की गिनती की प्राप्त हो सकती है। जी, और इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कितने राउंड में काउंटिंग हो पाएगी? बुरहानपुर में करीब 24 राउंड में काउंटिंग होगी। जी, और कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है बुरहानपुर में? जी राजेश, चलिए आपसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, 8 बजने में कुछ ही समय शेष बचा हुआ है, ऐसे में कितनी हलचल और तेज हो गई है? मतगणना स्थल पर आप मौजूद हैं, तमाम वहां पर लोग भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें। बिल्कुल, देखिए आधे घंटे का वक्त तेज रह गया है और इस वक्त तमाम जो कर्मचारी है वो काउंटिंग में मौजूद हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, टेबल पर जो है वो बैठ चुके हैं, उनका नाश्ता भी हो चुका है और अब इंतज़ार है उस निर्धारित वक्त का जो कि 8 बजे का है। 8 बजे EVM सबके पास होंगे और फिर वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। जो एजेंट हैं BJP और कांग्रेस के वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनका आना जाना अभी जारी है, लेकिन जहां तक आप समर्थकों की बात कर रहे हैं तो फिलहाल अभी समर्थकों की भीड़ नहीं जुटी है BJP कांग्रेस के। हमने अभी पहले आपको बात की है, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितने राउंड में गिनती होगी और रुझान हमें कब से मिलने शुरू हो जाएंगे? वैभव, देखिए 14 राउंड में गिनती की प्रक्रिया पूरी होनी है, कहीं कहीं पे 21 राउंड भी है, लेकिन इन सभी में जो है एक वक्त लगेगा। और जहां तक रुझान की बात है तो पहला रुझान 11 बजे के आसपास का मिलेगा, लेकिन 9 से 10 के बीच में भी डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया हो जाएगी कई विधानसभा सीटों पे, कई में बाद में की जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि बताया ये जा सकता है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, लेकिन सही सही एक आकलन होगा वो 11 बजे के आसपास ही हो सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी जो है पेचीदगी नजर आ सकती है, क्योंकि व्यापक तैयारी की गई है, किसी तरह का कोई शंका किसी भी जो है दल में ना रहे। इस लिहाज से आयोग ने कहा है कि पूरी निष्पक्षता बरती जाए और तमाम लोगों को जब संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे करके गिनती में जो तेजी की जो प्रक्रिया रहती है वो उतनी तेजी नहीं रहेगी और बिल्कुल समय के साथ वाली स्थिति रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन हाँ, आप 9 बजे के बाद आप ये कह पाने की स्थिति में रहेंगे कि ये प्रत्याशी आगे चल रहा है, ये पीछे है, लेकिन सही एक वास्तविक रुझान जिसमें ये बताया जा सकता है कि अभी ये पार्टी जो है इतनी सीटों पर आगे चल रही है, वो 11 बजे के आसपास आपको दिखाई देंगे। चलिए वापस आएंगे आपके पास वैभव। लगातार हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जिस तरह से जो हमारे साथी बता रहे थे कि 9 बजे के बाद हम कुछ बताने की स्थिति में आ पाएंगे कि आखिर कहां से कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर 11 बजे के बाद ही इसकी कोई जानकारी मिल पाएगी जिसको हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। लेकिन धड़कनें लगातार सभी की बढ़ी हुई हैं और सीट पूरी तरह से फंसी हुई है दोनों ही प्रत्याशी के बीच में, और काफी फूक फूक के कदम रखेगा प्रशासन आज मतगणना के दौरान, और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं पर पूरी तरह से आधारित रहेगी मतगणना, और किसी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए अभी से ही पूरा जो मतगणना केंद्र है उसमें सर्चिंग कराई जा रही है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो मौजूद नहीं है जिसके पास मोबाइल हो या कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे बाद में किसी तरह से प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। तो पूरा जो परिसर है उसको चेक किया जा रहा है। उसके अलावा चूंकि जो MLB कॉलेज है वो 20 शहर के बीच है, लिहाजा आसपास का जो यातायात है उसको भी परिवर्तित किया गया है और केवल पासधारी लोग जो कि MLB कॉलेज मतगणना स्थल पर पहुंच सकते हैं वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो अचलेश्वर मंदिर है MLB कॉलेज की परिसर से जुड़ा हुआ है
वहां से अभी अभी जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहां से मुख्य द्वार है मतगणना केंद्र का, लिहाजा जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर दोनों ही प्रत्याशी के समर्थक पूजा पाठ में जुट गए हैं। और जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वो अपनी अपनी टेबल पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनको मतगणना तैयारी मतगणना शुरू करनी है। और किसी भी तरह से अंदर मतगणना जो कक्ष है वहां किसी तरह से कोई प्रत्याशियों के समर्थक या मतगणना जो अधिकारी हैं कर्मचारी उनके बीच में कोई विवाद ना हो इसकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। तकरीबन 15 से 16 SDM तैनात किए गए हैं कि अगर कुछ भी होता है तो ऐसे में वो उनके बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। अगर कहीं किसी को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति लिखित में ली जा सकती है और अगर किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो सीधे कलेक्टर से बातचीत कर सकते हैं, मुख्य जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। यानी इस बार कह सकते हैं कि मतगणना के बाद रिजल्ट कितनी देर में आएगा ये इस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं उसके बाद चुनाव आयोग ने जो मतगणना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे और जिस तरह से मतगणना हो रही है वो पूरी तरह से एक तरह से पारदर्शिता इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रुझान की हम बात करें तो 8 से लेकर 9 बजे के बीच में, 9 बजे हम आपको कुछ रुझान दे सकते हैं क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो शहरी क्षेत्र है उनके रुझान में दोनों में फर्क नजर आएगा। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से माना जा रहा है कि कांग्रेस को कुछ वहां से बढ़त मिलेगी और जो शहरी क्षेत्र है वहां से बीजेपी को बढ़त मिलेगी। तो जब दोनों ही विधानसभा के जो शहरी क्षेत्र की जो 3 विधानसभा है और ग्रामीण क्षेत्र की जो विधानसभा है, इसके अलावा पोहरी और करेरा जो कि सीपरी क्षेत्र में 2 विधानसभा है, वहां से जैसे ही ईवीएम की खुलती है और उनकी जो काउंटिंग शुरू होती है हम अपने दर्शकों को 9 बजे तक कुछ ना कुछ और उससे पहले भी हम प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों को बता सके जो डाक मतपत्र है उनकी हम कुछ जानकारी दे पाएं। तो जितने जल्दी प्रयास होगा स्वराज के दर्शक उतनी जल्दी हमारे साथ अपडेट रहेंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को बिल्कुल जल्दी आप दोनों विनोद और वैभव जल्दी आप दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। तो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो,